हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। मैं हूँ श्वेता गुप्ता और आज मैं आप सभी के सामने लाई हूँ खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 कंटेस्टेंट्स के खास इंटरव्यू, जहाँ कंटेस्टेंट्स रेडी है साउथ अफ्रीका में अपने फियर्स को सामना करने के लिए। इस बार जंगल थीम है और इस बार कई सारे आपको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड है शो को लेकर, तो चलिए देखते हैं उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्सपीरियंस अ लिटिल समथिंग विच इज़ आउट ऑफ ऑर्डिनरी। वहाँ पर जाने के बाद मुझे शायद पता चले कि ये एक फियर था मेरे लाइफ के अंदर जिसके बारे में शायद मुझे पता भी नहीं था। द यकीएस्ट फीलिंग एवर। हाई, दिस इज डेजी शाह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन IWM बस। वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है डेजी शाह, जो कि खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाली है। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर शो। कितना एक्साइटमेंट है शो को लेकर? 50-50 एक्चुअली। नर्वस हूँ 50%, 50% एक्साइटेड हूँ। देखते क्या होता है। आई मीन ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ मैं लाइफ में। जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कैसा है क्या है। व्हेन यू गॉट दिस कॉल फॉर द शो, how was your reaction? पहले क्या बोला था आपने? I was not surprised. That's also because in the past somewhere I'd mentioned that I would love to be a part of खतरों के खिलाड़ी and sooner or later it was supposed to come and it did. the reason being I want to experience a different side of me. I want to experience a little something which is out of ordinary, not something which is so safe and also to meet that different side of me which probably even I didn't know. खतरों मोस्टली कंटेस्टेंट इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनको डर का सामना करना है। ये आपके मन में था पहले भी कि एक बार तो डर का फेस करेंगे? अब डर की बात करें तो वैसा मतलब कोई फियर नहीं है लाइफ के अंदर, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब वो नहीं पता कि वो सिचुएशन में डालने के बाद शायद ऐसे पता लगे कि अरे नहीं, मुझे इस चीज का भी डर है जो मुझे शायद पता नहीं है। I don't know, you know, the thing is that when it comes to fears, there might be tens, which I am not aware of. So probably, वहाँ पर जाने के बाद मुझे शायद पता चले कि ये एक fear था मेरे life के अंदर जिसके बारे में शायद मुझे पता भी नहीं था. And the best part about it is that के पता भी लग गया, overcome भी हो गया और मैं वापस भी आ गई. Yes, yes. अभी किस चीज का phobia है currently? There's no phobia. There are no phobias at all. I know. Thank God. बट आई एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक वियर्ड सा ग्रोस फील होता है जब मैं बग्स या इंसेक्ट्स को देखती हूँ। नाउ द रीजन बीइंग दैट लाइक इफ आई सी वन कॉकरोच प्रोबेबली आई बी लाइक इव, बट इफ आई सी 7-8 कॉकरोचेस गोइंग लाइक दिस इज लाइक द यकीएस्ट फीलिंग एवर। सो देयर इज वन थिंग, अब ऐसे जब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बग्स वाले टास ही मिले नहीं, मिल जाएंगे तो ठीक है। उस स्टंट के अंदर आई शुड शट माई आई, लाइक आंखें बंद करके कर लो, तो शायद वो दिखेगा नहीं तो फील भी वियर्ड नहीं होगा। दैट्स अ गुड ट्रिक, है ना? नाउ पीपल विल लर्न। ओके, सो डेजी, जब भी हम डांस के बारे में बात करते हैं लोग रेप्टाइल्स से सबसे ज्यादा डरते हैं, दे अवॉइड टू डू रेप्टाइल डांस। आर यू ओके फॉर दैट? It's okay because see, if you are a part of a show where you know that you have to go through all these stunts where you have to probably have to do stunts with reptiles like a crocodile or an alligator or snakes or whatever, dekho, it is also the channel's responsibility to take care of you. They will put you in a stunt where you have the vicious reptiles, but they will be non-poisonous, so it's okay. You know that भी कुछ तो होगा ही नहीं। हाँ, मतलब वो level पे तो safe है, उसका पंगा नहीं है। बस वो डर है, अगर है तो उसको निकाल लो। Yes. इस बार तो जंगल थीम भी है, सो दिस विल बी अ गुड चांस फॉर यू आल्सो टू प्रूव योर नेचर साइड लव आल्सो। आई लव, ओ माय गॉड, आई लव 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 ये कॉन्क्रीट जंगल देख देख के आंखें दुख गई है अभी। अब रियल जगह पे जाके रियल टास्क होगा। दिस बीइंग क्लोज टू नेचर इज इन टुडेज डे एंड लाइफ इट्स अ ब्लेसिंग। यस, ट्रू, आसानी से नहीं मिलता है। सो या, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? कुछ नहीं, एक तो लास्ट मिनट ऑन बोर्ड हुई हूँ मैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस एंड या, सो आई डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर फिजिकली,
बट लकीली आई हैव बीन वेरी रेगुलर विद माई वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग, तो मतलब वो जो बैलेंसिंग होता है, कोर स्ट्रेंथ होता है, वो तो है. स्ट्रेंथ का नहीं पता, होपफुली वो भी हो जाएगा, बट मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मैं फिजिकली उतना स्ट्रेंथ को बिल्ड कर पाऊँ. यस यस, कई सारे टास्क में आपको मेंटली अपने आप को काम रखकर परफॉर्म करना है. राइट, डू यू थिंक कि वो चीज आप अच्छे से कर सकते हो? कोशिश तो वही होगी. अभी जब किसी चीज का डर लगता है, जब कोई चीज जान पे आन पड़ती है, ऑब्वियसली इट इज सेफ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इन दैट सिचुएशन, राइट? यू नो बेटर व्हाट विल कम, व्हाट विल नॉट कम, व्हाट इज गोइंग टू हिट यू, व्हाट इज नॉट गोइंग टू हिट यू. और कभी कभी वो चीज के अंदर इंसान हड़बड़ा जाता है और शायद कोई गलती कर बैठता है. तो सेन माइंड होना बहुत जरूरी है इसके अंदर. जितना ठहराव से करने की कोशिश कर पाऊंगी, करूंगी जी. आप, ऐसा लगता है कि आपकी एक अच्छी क्वालिटी है कि आप एक डांसर भी हैं, बिकॉज यू नो हाउ टू परफॉर्म द डांस. डांसर्स का एक फायदा ये होता है कि उनका बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं अलाइन करता है, राइट? सो या इट डेफिनेटली वर्क्स. सो बट दे शुडंट टेक दिस एज यू नो, दे शुडंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट विद दिस और एल्स इट कैन थ्रो देम लाइक दिस. सो दैट इज समथिंग लाइक, yeah, it is good to have that, but do not be overconfident with that. रोहित सर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए सब काफी एक्साइटेड होते हैं, उनके डिजाइन के हुए टास्क को. तो आप कितनी एक्साइटेड है, बिकॉज उनके टास्क हो और वो धमाका ना करे तो वो काफी अधूरा अधूरा होता है. मैं रोहित सर को काफी टाइम से जानती हूँ. इनफैक्ट मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, मैंने तभी उनके साथ काफी फिल्म्स में काम किया था. सो वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं. एंड अच्छी बात यह है कि जो भी स्टंट वो डिजाइन करते हैं, वो खुद पहले ट्राई आउट करते, खुद प्रिपेयर करते उसके लिए, वो खुद एज अ पर्सन उसको परफॉर्म करते हैं, एंड देन इट इज फाइनलाइज. सो ही मेक श्योर दैट इट इज सेफ इनफ फॉर अ पर्सन हु इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड कैन ऑल्सो डू इट. यस, एंड ऑब्वियसली गाइड करने के लिए वो खुद है वहां पर. यस, किसको टफ कॉम्पिटिटर मान रहे हो? बिकॉज आज तो सभी आए हैं. सो मैं पर्सनली किसी को भी नहीं मिली हूँ. इनफैक्ट मुझे सबके नाम भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने होमवर्क नहीं किया है इसके अंदर, क्योंकि लास्ट मिनट था. हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना हो रहा था. तो आई वाज आल्सो वेरी लीस्ट बॉदर्ड कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा तो होगा. बट देन व्हेन इट एक्चुअली गॉट फाइनलाइज, दैट्स व्हेन इट स्ट्रक दैट थोड़ा होमवर्क तो कर लेना चाहिए था. बट इट्स ओके, कोई ना, यहाँ नहीं मिली, मैं वहां पे जाके सब लोग को मिल लूंगी. डेफिनेटली, ये तो लंबा टूर होने वाला है. सो डेसी, फाइनली मैसेज फॉर द ऑडियंस जो काफी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है आपको स्क्रीन पे देखने के लिए. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड माई सेल्फ फॉर द शो, जैसे आपकी सारी ऑडियंस है. बस इतना कहना चाहूंगी कि हमेशा से आपने प्यार और सपोर्ट और स्ट्रेंथ दिया है, वो आगे भी बरकरार रखे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई एम प्रेइंग फॉर माई सेल्फ टू get through all the stunts that has been given to me, the contestants, everybody, and I really request all of you to pray for us, all of us. Thank you so much, and all the best for the show. Do your best. Thank you so much.